पानी लेकर जाते थे। शौच क्रिया को बाद में एक वृक्ष था, नीम वृक्ष था, उसको पानी वो वृक्ष में डाल देते थे। लेकिन वो वृक्ष के ऊपर में एक भूत रहता था, जो भूत है वो अपवित्र पानी ही पी सकता है, पवित्र पानी को भूत नहीं पी सकता है। जैसे कपड़े से जो पानी टपकता है स्नान करने के बाद, वो पानी को वो पीते हैं, हाँ, इसलिए कपड़े को अच्छे से छोड़ देनी चाहिए। और जो अपवित्र पानी को पीता है वो शौच क्रिया के बाद में पानी डालते थे, उसी पानी को पीता था। एक दिन वो भूत स्वयं प्रकट हो गया, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी, आप तो मेरे को रोज रोज पानी पिलाते हो। बोले भैया तेरे को कहाँ पानी पिलाते हैं? बोले ये वृक्ष में मैं रहता हूँ, इसलिए पवित्र पानी तो मैं पी नहीं सकता हूँ, इसलिए अपवित्र पानी को मैं पीता हूँ, इसलिए तुम्हारा पानी को, इसलिए मैं तेरे ऊपर संतुष्ट हूँ। बोले मेरे से कुछ मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, झूठ बोल रहे हैं, मांगो, जो सबसे बड़ा चीज़ तो भगवत दर्शन है। बोले अगर देना चाहते हो मेरे को राम लक्ष्मण को दर्शन करवा सकते हो। भूत ने कहा, अगर तेरे को मैं दर्शन करा सकता हूँ फिर मैं क्यों भूत बनाऊंगा, लेकिन मैं तेरे को उपाय बता सकता हूँ। बोले क्या उपाय? तो बोले देखो, वहाँ पर रोज ही राम कथा होती है। राम कथा से पहले, हाँ, सबसे पहले श्री हनुमत लाल आते हैं। अब अगर कहीं भी कथा हो, श्री हनुमत लाल की पूरा तस्वीर रखी जाती है, इसलिए राम कथा के सबसे बड़े रसिया है श्री हनुमत लाल। इसलिए कथा से सबसे पहले आएंगे स्थान को, वक्ता को, हाँ, श्रोताओं को, सबको वो प्रणाम करते हैं और सबसे वो पीछे बैठते हैं और कथा को बड़े प्रेम से गदगद होकर के पूरी कथा को सुनते हैं। जब सबके सब चले जाते हैं फिर उसको बाद में हरे कृष्ण कहते, सबको पहले सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले जाते हैं। जब कथा समाप्त हो जाएगी, कथा वाचक, कथा स्थल, कथा श्रोता सबको प्रणाम करके वो बाद में जाते हैं, वो श्री हनुमत लाल जी। देखो उनका चरण पकड़ लेना, क्योंकि जब तक श्री हनुमत लाल की कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, हाँ? इसलिए, लेकिन तुमको बहकाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन बहकना नहीं, सचमुच से उन्होंने आकर के देखे कथा से पहले, एकदम रुक्म शरीर, एकदम, हाँ, एकदम फटे फुटे कपड़े पहने हुए कथा से सबसे पहले आए, सबसे पीछे बैठे, गदगद होकर कथा सुने, कथा को बाद में कथा वाचक को, श्रोता स्थल को जब प्रणाम करके जा रहे थे, इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी उनको चरण पकड़ लिए। पकड़ लिए तो हनुमान तो पहले भगाने के लिए कोशिश किया, बोले मैं अपवित्र हूँ, शूद्र हूँ, तुम अपवित्र हो गए, मेरे को स्पर्श कर लिया, भागो भागो, मेरे को स्पर्श मत करो। लेकिन श्री भूत ने सारी बात बता दिया था, तेरे को बहकाने के लिए कोशिश करेंगे। बोले श्री हनुमत लाल जी, मेरे को बहका मत, मेरे को पता है आप श्री हनुमत लाल हो, इसलिए मुझे कृपा करके प्रभु राम लक्ष्मण का दर्शन दिला। हनुमत जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु। बोले देखो, जब देखा है उन्होंने, पहचान लिया, फिर उन्होंने बताया, बोले देखो, चित्रकूट के घाट के भय संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बोले ये जो घाट है, यहाँ पर रोज राम लक्ष्मण यहाँ रोज स्नान करने के लिए आते हैं। बोले चले जाओ वहीं पर, और जो लोग आएंगे सबको चंदन घिस करके सबको तुलस सबके सिर पर तिलक लगाना, और भगवान राम लक्ष्मण भी आएंगे, फिर उसी बहाना से दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास यहीं पर आए, आकर के चंदन घिस रहे थे, सबको तिलक लगा रहे थे। लेकिन तुलसीदास का एक नियम था, बोले क्या नियम? वो कभी सिर ऊंचा करके नहीं देखते थे, केवल चलते समय अपना पैर को नीचे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए, जितने दूर केवल अपना चरण पड़ता केवल उतना दूर तक देखते थे, और ज्यादा नहीं देखते थे। इसलिए उनको ज्यादा तो नहीं ऊपर देखना, जो आते हैं सबको तिलक लगाए, लेकिन राम लक्ष्मण भी आए उन्हें भी उन्होंने तिलक लगाए, लेकिन वो ऊपर तो देखे ही नहीं, देखे नहीं तो प्रभु तो आए, तिलक तो लगाए, लेकिन प्रभु चले गए, दर्शन नहीं हुआ, तो फिर वापस आए, फिर हनुमान के जो चरण पकड़े, बोले आपने जो कुछ बात बताए थे मैंने सब कुछ किया, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। बोले सिर ऊंचा नहीं करोगे तो कैसे दर्शन मिलेगा? प्रभु तो आए, तुमने तो उसको तिलक लगाया, लेकिन प्रभु तुमने सिर ऊंचा नहीं किया तो तुमको दर्शन नहीं मिला। कहते मैं तो सिर कभी ऊंचाई कर ही नहीं सकता हूँ। बोले ठीक है, मैं तुमको मदद करूंगा।
बोले चलो फिर वहीं पर चंदन घिस करके तिलक लगाना, मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, जब प्रभु आएंगे मैं फिर तुमको बता दूंगा दर्शन करने के लिए, मैं दर्शन करना। फिर गोस्वामी जी यहीं पर आए, फिर उनने चंदन घिसे, हाँ प्रभु राम लक्ष्मण जब आए उस नीचे सिर करके तिलक लगा रहे थे, इतने में हनुमान जी बोले देखो देखो प्रभु सामने सामने, देखो प्रभु जी सामने ऊंचे देखो। जब तुलसीदास देखा फिर प्रभु राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने यहीं पर उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए ये जो स्थान है अभी सुन रहे थे ना, यहाँ पर प्रभु राम कहते उसी मंदिर के ऊपर में यहीं पर चित्रकूट में कितना दिन तक रहे, साढ़े ग्यारह वर्ष अठारह दिन तक केवल प्रभु को मंदिर में कहते यही पास में ही पर रहे, प्रभु रोज इसमें स्नान करते थे। इसलिए ये जो स्थान है बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, हाँ ये जो रामायण कहते जितने वेद वेदांत उपनिषद पुराण भागवत है वो सारे को समझो, ये ट्रांसलेशन किया गया सब इन्होंने तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा कहते वाल्मीकि ही दो बार रूप में कहते गोस्वामी तुलसीदास रूप में आए, ये कलिजी को जीव को आसानी से राम कथा को पढ़ सके, उन्होंने दो बार उन्होंने कहते ग्रंथों को बनाए। जैसे हमारा संप्रदाय में ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को हम सारे शास्त्रों का निचोड़ कहते हैं, कहते श्री रामानंदी संप्रदाय में कहते रामचरित्र मानस को उन्होंने सारा शास्त्र का निचोड़ बताते हैं। इसलिए यहीं पर ही भगवान की सारी लीला स्थली है, यहीं पर भरत जी को साथ में यहीं से पादुका लेकर गए थे, ऊपर पे लगा हुआ पाद मतलब जो है मिलाप तो कामतगिरी की परिक्रमा में हुआ, जहाँ कामतगिरी परिक्रमा जब मिल रहे थे पत्थर भी पिघल गए हैं, आज भी पिघला हुआ है। यहाँ सभा दरबार पुराना प्राचीन वो ये तो नया मंदिर बना दिए है, पुराना ये सब है, पर यहाँ से मिलाप हुआ मतलब जो यहाँ से पादुका लेकर के गए, पर जगह लाखों वर्ष पहले की बात है, ये तो टीला है, मिट्टी का टीला था जिसमें भगवान शिव पुराण में भी है, रामचरित मानस में भी है, अयोध्या कांड में इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, वाल्मीकि में भी है, तो जगह वही है। The place we have come, this is the holy river Mandakini, and on the bank of Mandakini, this is where great sage Tulsidas, he got darshan of Lord Ram. As you know that without Tulsidas, there would not be so much spread of Ram Bhakti. Srila Gurudev always to say that many people they told that, oh, Tulsidas was maybe Mayavadi. Gurudev said, never and never. He said, I have studied Tulsi Ramayana maybe 108 times. There is not an iota of element of Tulsidas. What Tulsidas has said, Ishwar Aumsha Jeeva Avinashi. That living entity is a separated portion, Vibhinna Aumsha Bhagwan, and is eternal. Bhagwan is eternal, Jeeva is also eternal. Bhagwan has said, Mamai Aumsha Jeeva Loke, Jeeva Bhuta Sanata. So the conclusion of Tulsidas was same in total agreement with Bhagavad Gita. How can he be Mayavadi? So Maharaj is telling a very wonderful story that Tulsidas, he every day used to go and pass stool in Kashi, living in Kashi. So there he used to take lota with him, one pot, and after passing stool he used to clean himself, and remaining water he used to, remainder water he used to throw underneath a neem tree. So one ghost used to reside on this neem tree. So this ghost thought, oh, every day is giving me some water to drink. The ghost always drink unclean water, especially when you wash your clothes and you don't wring out the water properly, then whatever water is trickling from the clothes, then that ghost drink that and they contaminate your clothes. Generally speaking, in India they don't wash clothes in the night, they wash clothes in the daytime and they try to dry as much as possible. Western countries, they have dryers which dry within 25 minutes if you put a few quarters in them. But here, so the ghosts always drink contaminated water. They always drink urine and also spit out, sputum, what you spit out, your cough and anything that is fallen out of bodily secretions, ghosts have right to drink that. They have no right to drink the clean water. It's a horrendous species. Yeah. So Goswami Tulsidas, that ghost appeared to Goswami Tulsidas, said, every day you are coming and passing stool here, and remainder water you are throwing here, that is quenching my thirst. So I am very satisfied with you, ask for some benediction. Tulsidas ji said that I am mad for Lord Ram. If you can bestow the darshan of Lord Ram, then I'll be very happy. Then ghost said, that is beyond my capability.
But I know how to have darshan of Ram. That you cannot have darshan of Ram unless you please his dearmost servant Hanuman. दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, महाराज सिंह जी सॉन्ग. सो इफ यू वांट लिबरेशन यू गो टू राम, बट इफ यू वांट भक्ति यू टू गो टू हनुमान. ओनली हनुमान कैन गिव भक्ति, राम भक्ति. सो यू शुड अप्रोच हनुमान. ही सेड हाउ विल आई आइडेंटिफाई हनुमान. ही सेड वेर एवर हरि कथा इज गोइंग ऑन, स्पेशली राम कथा इज गोइंग ऑन, हनुमान विल कम देयर फर्स्ट एंड विल गो लास्ट. यत्र यत्र गुनाथ कीर्तनम तत्र 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 मस्तकांजलि बाशवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम. Wherever Harikatha is going on, you see Hanuman has come. So wherever Harikatha is going on, that place Hanuman will come. He will come before everyone. What is our habit? When Katha has begun, we will come 5 minutes later. But Hanuman habit is opposite us. He will come 15 minutes before Harikatha. And then after everyone has left, he will take the dust of all the people who are hearing Harikatha and he will offer pranams all up to them and then he will leave that place. But generally what is our habit? Sometimes when I give Harikatha, there is no one there. Only one person is there. I ask him, why you are staying here? He said, this mat belongs to me. The mat you are sitting on. But Hanuman is not like that. He comes first and he goes last. And he is always very eagerly serving. And he is taking a shape of a Shudra. No one can recognize you. Understand, this is the glory of Harikatha. Hanuman knows all Katha, but he wants to hear more and more. Harikatha is so nectarian. So Hanuman was sitting there. He said, he is always coming as Shudra. You go and catch his feet and don't let the feet go till he promises you that he will bestow the darshan of Ram and Lakshmana. So then Goswami Tulsidas ji came to the Katha and he noticed when Shudra had come. He was sitting in the back, old man with a stick in his hand and dirty clothes, rags, not clothes, rags. He was wearing rags. And he identified him, kept a close watch on him, went and caught his feet after the Katha. Please bestow the darshan of Ram Lakshmana upon me. Then he said, if you want darshan, then you cannot have it in Kashi. You'll have to go to Chitrakoot. Because Lord Ram, he likes Chitrakoot very much. So if you go to the Bandakini River and do bhajan there, chant Harinam there and serve the Vaishnavas. What service you have to do? You have to rub the chandan, sandalwood, and offer that place to Thakurji and Prasadi Chandan. You have to offer all the Vaishnavas. Nothing pleases Lord like offering chandan to the Vaishnavas. See, service to Vaishnavas. So keep on chanting Ram Nam there and serve Vaishnavas. These two things will restore darshan of Ram Lakshman upon you. So Tulsidasji had one habit. He would never look up. That habit we should also try to follow. We should not look here and there and there and there. When you are chanting Harinam, always look down. You know, like Jagannath Das Babaji Maharaj. You see, Jagannath Das Babaji Maharaj, head also always down. He became his hunchback because he was always looking down. Because if you look around while chanting Harinam, any time of the day, if you look around, you'll see many bad things happening. Those will form impressions on your mind. So never look up. Always keep your lower hold, head down and chant Harinam. Walk also on the street, head down, always. And Goswami Tulsidas was also very kind to the insects on the street. He didn't want to crush them. He was always walking his head down so that he will not step on any ants. So here also he was chanting Harinam, offering Chandan to Vaishnavas, but head down. So Ram and Lakshman came and he offered them Tilak also. He offered them Chandan, but then they left. He didn't notice that they had come and gone. He could not have their darshan, though he served them. Then Hanuman came. Did you see them? He said, no, my head was down. He said, try to keep your head up. Then Goswami Tulsidas said, if I keep my head up, I'll fall in Maya. There are so many nonsensical things go on in this world. I cannot keep my head up. Then Hanuman said, I will help you. When Ram and Lakshman will come next time to accept your chandan, I will sing one doha. What is that? Chitrakoota ke ghata me padi santana ki veer Tulsi das chandana ke se tulaka detara. When I sing this doha, then you should immediately raise your head. Then you will not see Maya, you will see Ram and Lakshman, the masters of Maya. And that is what Tulsidas did. When he hinted him, Hanuman, immediately he raised his head and he saw beautiful
two handsome princesses he saw. And in this way, so this is the place where, so here Lord Ram spent 11 and a half years and 18 days, almost 11 years, 6 months, 6 and a half months, he spent in this place here. So this is such a holy place, very, very old structure is there. So now we'll have darshan of that place. This is the holiest place in Chitrakoot. So we'll have darshan of this place and now we'll return to our Bhajan Kuti. Hare Krishna. कल है प्रभु जी, आज रात रुकेंगे, कल कामदगिरी का परिक्रमा है, सुन लो कल का...